हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में होने वाली है अगले महीने से बम्पर बहाली। यह तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खबर आ रही है कि गरीब और युवाओं को नौकरी मिलेगी और इतना रोज़गार देंगे कि जितना पहले कभी नहीं मिला है। तो बिहार में काफ़ी रोज़गार की संभावनाएँ दिख रही हैं। इसे विस्तार से देखिए कि बिहार में शीघ्र ही नौकरी की बहार आने वाली है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रदेश में बम्पर बहाली होगी और इस पर काम शुरू भी हो चुका है। तो इस पर काम भी शुरू हो गया, अगले महीने से यह दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात भी हुई है और रिजल्ट जल्द ही सबके सामने होगा। कहा कि वायदा याद है और गरीब और युवाओं को नौकरी मिलेगी। दावा किया कि हम लोग मिलकर इतना रोज़गार देंगे कि जितना पहले कभी नहीं मिला है। हमारी लड़ाई बेरोज़गारी के खिलाफ है और हमारे मुख्यमंत्री गरीबों के और युवाओं के दर्द को समझते हैं। तो इस तरह से अब देखिए कि अगले महीने से कितने और किस क्षेत्र में बहाली शुरू होती है बिहार में। और नया न्यूज शिक्षक भर्ती और नई इंटीग्रेट प्रवक्ता भर्ती के लिए कल विक्की खान की टीम गई थी निदेशालय और वहां पे यह विज्ञप्ति भी प्रेषित किया जिसमें उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसे आइए देखते हैं विस्तार से। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड 2018 राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के चयनित समस्त विषयों के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पोर्टल खोलने एवं नियुक्ति पद स्थापन तथा एलटी ग्रेड राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने के संबंध में, तो जो अभी तक 2018 के भर्ती में अभी तक इनकी नियुक्ति और ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनके लिए पोर्टल खोलने के लिए और पद स्थापन के संबंध में यह विज्ञप्ति थी। और जो नई भर्ती है टिकेट की आने वाली है राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की और प्रवक्ता की, उनके विज्ञापन को जारी करने के संबंध में है यह पत्र। महोदय, आपको अवगत कराना है कि प्रतियोगी छात्रों को विभिन्न मुद्दों पर आपके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है और इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अति शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। तो इनका जो प्रमुख मांग था, पहला मांग था कि एलटी ग्रेड 2018 के द्वितीय सूची में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन में काफ़ी विलंब हो चुका है और इस प्रकरण की जानकारी माननीय उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एवं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को दी जा चुकी है, किंतु अभी तक ऑनलाइन पोर्टल और पद स्थापन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है। इन अभ्यर्थियों को अति शीघ्र पद स्थापित किया जाए। दूसरा पॉइंट था कि एलटी ग्रेड राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के विभिन्न विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद है जिसके समाधान हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कई पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्रेषित है, किंतु अभी तक अर्हता विवाद का समाधान नहीं हो सका है। तो नए विज्ञापन में देरी अर्हता विवाद के कारण की ही हो रहा है, लेकिन पत्र दिया जा चुका है निदेशालय को, उसके बाद भी अभी तक इस अर्हता विवाद में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हुआ जिसके कारण नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने के अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। तो विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वही सिलेबस आपको एलटी में भी देखने के पड़ेगा, लेकिन इसमें दो पेपर होगा, लेकिन फिर भी मुख्य विषय का जो आपका मुख्य विषय होता है वो तो दोनों में एक ही सिलेबस होता है, इसलिए आपकी तैयारी दोनों की साथ साथ हो रही है। और विज्ञापन जब भी निकले तो आपको बस परीक्षा देना रहेगा, आपकी तैयारी चलती रहेगी तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी। अतः आप श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर त्वरित समाधान किया जाना चाहिए और आपकी महति कृपा होगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर तुरंत समाधान करने के लिए मांग की गई है बिकिकू उनके टीम के द्वारा। तो देखिए अब इसमें निदेशालय क्या फैसला लेता है और कितनी जल्दी फैसला लेता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए।